सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर, देर रात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे, आज बुलंदशहर भी जाएंगे। गाजियाबाद और बुलंदशहर में सीएम योगी का विकास परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण और पार्टी पदाधिकारी के साथ होंगी बैठक। सीएम योगी ने हापुड़ में किया 810 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, कहा अगले 5 साल में हर एक परिवार से एक युवा को नौकरी देने का लक्ष्य। नशे के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम टॉप ट्रेंडिंग, योगी अगेंस्ट ड्रग माफिया का छाया है हैशटैग, एक हफ्ते से लगातार नशे के सौदागरों पर चल रहा हलचल। यूपी के 3 दिनों के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 185 करोड़ की परियोजना का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा का दौरा आज, रघुवर प्रधान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे धसा, कई फीट गहरी खाई जैसा दिख रहा गड्ढा, राहगीरों को रही परेशानी। अयोध्या से भव्य राम मंदिर निर्माण की सबसे लेटेस्ट तस्वीर आई है सामने, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साझा की गर्भगृह की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी फर्जी घोषित, यूजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की। लखनऊ में धर्म परिवर्तन के नाम पर धमकी देने का मामला, हिंदू धर्म अपनाने की चाहत रखने वाले मुस्लिम परिवार को दी जा रही धमकी। प्रतापगढ़ में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 दिनों में सुनाया है ऐतिहासिक सजा का ऐलान, अंतिम सांस तक जेल में सजा काटेगा रेप का आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश शाहनवाज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। माफिया तीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई की तैयारी, फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। मेरठ के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक की मौत, कई लोग घायल। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव राजा और प्रिंसिपल के बीच में धक्का मुक्की हुई, एबीवीपी कार्यकर्ता और कॉलेज प्रशासन एक दूसरे पर लगा रहे बदसलूकी के आरोप। उधम सिंह नगर के जसपुर के सुत मिल चौकी के लक्ष्मीपुर खेड़ा में पुलिस ने विद्युत विभाग में फर्जी एसडीओ को गिरफ्तार किया। श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में मिली है जमानत, 354 और 420 गाली गलौज मामले में हुई है जमानत। 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने के लिए चेन्नई से नोएडा पहुंचा रिमोट कंट्रोल। मऊ में पत्नी के खौफ की वजह से ताड़ के पेड़ पर पति ने बनाया आशियाना, 1 महीने से ताड़ के पेड़ पर रह रहा पति। संबल में सरकारी अस्पताल में घुसी भैंस, दूसरी मंजिल पर पहुंचकर भैंस ने मचाया उत्पात। एटा के जवाहर थर्मल पावर प्लांट में हादसा, बीम पर वेल्डिंग करने के दौरान एक मजदूर गिरने से मौत। नोएडा में सेक्टर 80 की गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत। यूपी के बिजनौर में अनार से भरा हुआ ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। वाराणसी में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर कार्रवाई, 160 लीटर देसी शराब और 2 किलो गांजा बरामद हुआ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने रायबरेली में अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा रायबरेली को बनाना है नंबर 1। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज की उत्तर प्रदेश इकाई की कार्य समिति की बैठक, महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अली अनवर ने बीजेपी पर हमला बोला। चित्रकूट जिला मुख्यालय में जलभराव की समस्या को लेकर सदर विधायक अनिल प्रधान ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। गोरखपुर के डीआईजी ने पुलिस लाइन का दौरा कर निचलौल थाने का किया है निरीक्षण। आजमगढ़ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने किए हैं बड़े पैमाने पर फेरबदल। कानपुर के बिजनों में दबंगों की दबंगई का वीडियो आया है सामने, 2 छात्रों की जमकर में बेरहमी से पिटाई की गई। बाराबंकी में मामूली कहासुनी के बाद हुआ है खूनी संघर्ष, 1 महिला की मौत। मुरादाबाद का शातिर अपराधी गिरफ्तार, आरोपी ने फिल्मी अंदाज में खुद को किया मृत घोषित, आरोपी पर 10 मुकदमे दर्ज। हथौड़ी में प्रेमिका से मिलने घर गए प्रेमी की, परिजनों ने किया पिटाई, युवक को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। मुरादाबाद में 3 मंजिला स्क्रैप गोदाम में आग का तांडव, 3 बच्चों के समेत 5 की मौत, 7 लोग का रेस्क्यू हुआ।
यूपी के रायबरेली में कांवड़ियों पर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक कांवड़िया घायल। मथुरा स्टेशन से 7 महीने का बच्चा हुआ चोरी, घटना कैमरे में कैद। बाराबंकी कृषि उपनिदेशक कार्यालय में करोड़ों के घोटाले का हुआ खुलासा, डीडी ने पद पर रहते हुए योजनाओं में की हेराफेरी। अयोध्या में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत, गांव के युवक दुकानदार ने टॉफी देने के बहाने बच्ची से किया रेप। जौनपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क, जिले में डेंगू के अब तक 80 मरीज पाए गए, एक की मौत। चालून में नदी में पलटा लकड़ी से लदा ट्रक, केबिन में फंसे खलासी की मौत। ललितपुर में बार बालाओं के साथ डांस करते हुए प्रधान प्रतिनिधि का वीडियो आया सामने। हरदोई में सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 4 सट्टेबाज गिरफ्तार। बिजनौर में वन विभाग ने आज अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बनाए वाटर हॉल, हाथी वाटर हॉल में कर रहे मस्ती। सीतापुर में ग्रामीणों ने चोर को दी है तालिबानी सजा, खंभे से बांधकर पीटा गया। बरेली में पेट्रोल लूटकर फरार हुए हैं कार सवार, 12,000 का डलवाया पेट्रोल, सेल्समैन के रोकने पर उसे घसीटा। बाराबंकी में 2 ट्रकों में हुई है जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग, हादसे में 4 लोग घायल। आज दूसरे दिन भी सीएम गहलोत करेंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, मंडरायल क्षेत्र में चंबल के पार प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राजस्थान के बिसरपुर बांध का जलस्तर बढ़ा, खोले गए बांध के 2 गेट, छोड़ा गया 6,000 क्यूसेक पानी। एमपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था की सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में फिर आसमानी आफत बढ़ने का अंदेशा, 12 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश से मुसीबत बढ़ने की अंदेशा, बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के चलते 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। बेतवा के बाद चंबल नदी के रौद्रूप ने फैलाई है दहशत, बाढ़ से घिरे एमपी के मुरैना भिंड के 61 गांव। एमपी के मंदसौर में उफनते नाले में गिरी है कार, स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए, डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें, मंडला को नागपुर से जोड़ने वाले पुल टूटा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। राजस्थान के उदयपुर में पानी के तेज बहाव में एक कार बही, पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बचाया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, एक स्कूल में पानी भरने के बाद बचाव दल ने बच्चों और स्टाफ को बचाया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिला, पानी के तेज बहाव में पति पत्नी लापता, तलाश में जुटी है टीम। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, सड़कों पर पानी के बीच में सड़क पर फंसी गाड़ी। राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ की वजह से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है, बाढ़ से 80 गांव प्रभावित हुए। जालौर में कोटा बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी, कोटा बैराज में छोड़े गए पानी में दिखा मगरमच्छ, दहशत में लोग। शांसी बेतवा नदी किनारे बसे गांव में घुसा है पानी, गांव में और खेत में जलभराव हुआ। चंदौली में गंगा ने पार किया है खतरे का निशान, तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, 3 दर्जन से ज्यादा इलाके प्रभावित। प्रयागराज में नदियों ने दिखाने लगा है रौद्र रूप, गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद रिहायशी इलाकों तक पहुंचा है पानी। आगरा के बिनाहट में बाढ़ से ग्रामीण हुए हैं बेहाल, गांव में पानी भरने के बाद घरों की छत पर चढ़े लोग। पिथौरागढ़ हेली सेवा का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, देहरादून से अल्मोड़ा, पत्रगढ़, हल्द्वानी पहुंचना हुआ आसान। ऋषिकेश एम्स में बाल रोग गहन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ, सीएम धामी ने अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से जाना हालचाल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की दर पर हो रही बढ़ोतरी, काशी के मारुति नगर में बाढ़ से हाल बेहाल। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, कई गांव तक पहुंचा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, गंगा यमुना में उफान के बाद लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। बिहार के भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, गंगा का पानी सिटी कॉलेज के अंदर पहुंचा, छात्रों को हो रही खासी परेशानी। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, आवाजाही हुई है प्रभावित।
दिल्ली हाई कोर्ट का बयान, व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यूजर्स को किया मजबूर, फेसबुक के साथ डेटा भी शेयर करती है कंपनी। निर्मला सीतारमन ने मुफ्त उपहार बांटने वाले दलों को दी है नसीहत, कहा कि साल जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ेगी। एयर इंडिया का त्योहारों से पहले कर्मियों को तोहफा, 1 सितंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। IRCTC ने यूजर्स के डेटा बेचकर पैसा कमाने की योजना टाली, प्राइवेसी की चिंताओं के बीच में वापस लिया टेंडर। एशिया कप का आगाज आज से, 6 टीम 15 दिन में खेलेंगी 13 मुकाबले, 11 सितंबर को फाइनल, 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान का मुकाबला। कल होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए भारतीय टीम का कर रही है प्रैक्टिस, दुबई के स्टेडियम में टीम ने बहाया है पसीना। प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्टेडियम के पास भारत और पाकिस्तान के फैंस की भीड़ नजर आई। पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम जूनियर एशिया कप 2022 से हुए बाहर। गांगुली ने विराट कोहली पर बनाया है दबाव, BCCI प्रेसिडेंट बोले हैं सिर्फ टीम के लिए नहीं, विराट को अपने लिए भी रन बनाने होंगे। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से हटाया है बैन, अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी का रास्ता हुआ साफ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला मेंस डबल्स मेडल पक्का, बैडमिंटन खिलाड़ी रैंकी रेट्स डी चिराग शेट्टी ने जापान की डिफेंडेड चैंपियन जोड़ी को हराया। बाढ़ से भारी तबाही के बाद पाकिस्तान ने दुनिया से मांगी है मदद, अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के बाद सरकार ने लगाई है इमरजेंसी, अब तक 937 लोगों की मौत हुई। विश्व में 2022 में कोरोना से मौत के आंकड़े 10 लाख के पार, WHO के प्रमुख का बड़ा दावा। दुनिया के 94 देशों में अभी भी मंकीपॉक्स के 41,000 मामले, 10 दिनों में 7,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ज़ापोरोजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास स्थित को बताया खतरनाक, कहा रूस की तरफ से कोई भी एक्शन तबाही की ओर लेकर जा सकता है। पेरू में अवैध खदान पर छापेमारी के दौरान हुई झड़प में 1 की मौत, 12 लोग जख्मी। ईरान के न्यूक्लियर डील पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, कहा कि हमने इस गंभीर समझौते को लेकर सावधानियां बरती हैं। मलाइका अरोड़ा ने सोफी चौधरी के साथ किया है खूबसूरत डांस, सोफी के साथ मलाइका के डांस वीडियो ने मचाई थी। नोरा फतेही का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में नोरा ग्लैमरस अंदाज बिखेरती हुई नजर आई। मौनी रॉय ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है, मौनी ने शानदार डांस से फैंस का दिल जीत लिया। शहीर शेख के साथ हिना खान का मजेदार वीडियो आया सामने, वीडियो में रोमांटिक गाने पर दोनों एक दूसरे की कंपनी को कर रहे हैं खूब इंजॉय। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए नया वीडियो शेयर किया है, हिमेश की सिंगिंग का टशन फैंस को आया है पसंद।